सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है मेरी इस नई वीडियो पे। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फास्ट चार्जिंग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है। क्या दोस्तों, आपने कई ऐसे स्मार्टफोन देखे होंगे जिसमें फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होती है, बल्कि कई ऐसे भी स्मार्टफोन जिसमें नॉर्मल वॉट की फास्ट चार्जिंग सॉरी नॉर्मल चार्जिंग का सपोर्ट होता है। लेकिन यहाँ पर कई सारी ऐसी दिक्कत आती है कुछ समय के बाद, 1 साल 2 साल के बाद, या फिर चार्जिंग पिन के अंदर कचरा जाता है, या फिर आपकी डाटा केबल ही ख़राब हो जाती है, चार्जिंग केबल ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आपका फ़ोन फास्ट चार्जिंग करता है तो आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होना बंद हो जाता है। वहाँ पे कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जो कि सारी के सारी अगर कनेक्टिविटी एक साथ नहीं होती तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट बंद हो जाता है। वही नॉर्मल चार्जिंग में भी ये सब चार्जिंग वगैरह की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। किसी किसी का पिन ढीला हो जाता है और उसको ज़बरदस्ती मतलब चार्जिंग पर लगाते हैं तो पिन डैमेज हो जाता है और फिर आपको उसको रिपेयर करना ही पड़ता है। ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज़ या दो बातें ध्यान रखने में ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम जो है हमारे साथ भी होती है, मेरे साथ भी होती है, जो भी स्मार्टफोन यूजर है उसके साथ होती होंगी। नए स्मार्ट खरीदते हैं जब तक तो ठीक चलता है, 1 साल बाद जब उसमें डस्ट चला जाता है, बहुत ज़्यादा कचरा चला जाता है, कभी इवन कंकड़ पत्थर कुछ भी चला जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। हालांकि यहाँ पे फास्ट चार्जिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि उसकी फास्ट चार्जिंग ही सपोर्ट करना बंद हो जाती है। इवन जो बंदा है वो स्मार्टफोन इसलिए खरीदता है ताकि उसका फ़ोन फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट कर रहा है, और फास्ट चार्जिंग से उसे कई सारे काम ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कई सारे काम ऐसे जो चार्जिंग की वजह से रुकना पड़ता है वो सब समय वगैरह की बर्बादी कम हो जाती है। वहीं अगर फास्ट चार्जिंग ऐसे प्रॉब्लम आने लगी तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात बन जाती है। मैं आपको उसी का सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि इवन अभी जो स्मार्टफोन से वीडियो शूट हो रहा है, ये ओप्पो F17 Pro, इसमें भी फास्ट चार्जिंग है, लेकिन इसमें भी फास्ट चार्जिंग की प्रॉब्लम आई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ सामने जो चार्जिंग पिन है अंदर जहाँ पर टाइप सी पिन लगा हुआ लगाने की जगह है, वहाँ पे कितना सारा डस्ट जा चुका है। सबसे पहले आपको उस चीज़ को क्लीन करना है, किसी भी पतली पतली चीज़ से उसे वहाँ के डस्ट निकाल देना है, लेकिन केयरफुली निकालना है, जिसकी वजह से आपका जो अंदर का सॉकेट है वो डैमेज ना हो और आपका नॉर्मली वो क्लीन हो जाए। वहीं अगर मैं आपकी बात करूँ, जो आपके पास डाटा केबल होगी, जो चार्जिंग पिन होगी, उसे भी काफ़ी अच्छे से साफ़ कर लेना है, क्योंकि आप ध्यान रखें यहाँ पर कोई भी पिन डैमेज नहीं होनी चाहिए। और हालांकि कई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, बाई चांस वहाँ पे पानी चला जाता है, आप लगा देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सॉकेट वगैरह जल भी जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा थोड़ा जला हुआ सॉकेट है, अंदर से डैमेज हो चुका है, और ये फिजिकली डैमेज हुआ है, ना कि किसी और दिक्कत की वजह से है, लेकिन ये डैमेज होने की वजह से फिर भी अभी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, मैंने इसकी बारीकी से इसकी क्लीनिंग किया था, वो भी कैसा, मैंने पेट्रोल लगा के क्लीनिंग किया था। आप पेट्रोल भी ले सकते हैं, उसे क्लीन करके और उसे साफ़ कर सकते हैं, इस वजह से आपका जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर आपके इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, आप कनेक्ट कर रहे हैं या फिर कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रहा, हिल जा रहा है, सबसे पहले आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है, आपको ये सारा सिस्टम जो है ये साफ़ करना है, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन इससे ज़्यादा भी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का बिल्कुल ही कनेक्शन बंद हो जाता है, तो कनेक्शन बंद होने पर आप अपना चार्जिंग पिन जो है वो रिपेयर करवा लें, अच्छे से नया डलवा लें, तब आप ये सारी सुविधा और ये सारी चीज़ करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात ध्यान रखें, आप अब से अपना सेपरेट चार्जर रखें, किसी भी चार्जर में अपना पिन ना लगाएं, क्योंकि वो चार्जर उस पिन में लग लग के वो वैसा बन जाता है और आप उसे फिर अपनी अपनी पिन में लगाते हैं तो इससे आपका पिन डैमेज हो जाता है। ऐसा कुछ ध्यान रखना है आपको चार्जिंग की सेफ्टी के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नए वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।